कहां 2 लाख कुछ हजार और कहां 19 लाख व्यूज पे 19,000 रुपये। ट्रस्ट मी, मैं आपको जो दिखाऊंगा ना अभी आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है कि और जुन्नू भाई इतना फर्क। आपको YouTube पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि YouTube 1,000 व्यूज पर कितना पैसा देता है, और आज तक मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ किसी ने इतना खुला आपको नहीं दिखाया होगा जितना मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, हम अपना अर्निंग नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खिलाफ है, कुछ नहीं है भाई। आज मैं सारे के सारे राज खोलने वाला हूँ एंड कौन सा चैनल बनाने से आप जल्दी YouTube पर ग्रो कर सकते हो, कौन से चैनल में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ डिटेल में, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। सबसे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताओ, पहले कमेंट करो कि आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो या फिर लॉन्ग वीडियोस बनाते हो या फिर दोनों बनाते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि यूट्यूब 1,000 व्यूज पर कितना पैसा देता है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपका ये डाउट क्लियर करना। अगर आपने यूट्यूब पर टेक चैनल बना लिया और आपको ये लगता है कि इतना सभी टेक यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं उतना ही पैसा हमें मिलेगा, तो अपने माइंड से ये बात निकाल दो। अमित भड़ाना, अगर आपने भी उनकी तरह कॉमेडी चैनल बना लिया तो आपका भी उतना ही अर्निंग होगा, अपने माइंड से निकाल दो, उससे ज्यादा भी हो सकता है एंड कम भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग अपना व्लॉग चैनल शुरू कर रहे हैं, माई फर्स्ट व्लॉग, उसके बाद रेगुलर अपलोड भी कर रहे हैं। मैं आपको व्लॉग चैनल की अर्निंग इस वीडियो में खुलकर नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक वीडियो आने वाला है बिकॉज मेरी एक वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज हिट किया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 मिलियन व्यूज पर एग्जैक्ट कितना पैसा मिलता है, बट वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी बात कर लेते हैं बाकी सभी कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक चैनल के बारे में। YouTube पर बहुत सारे चैनल है, टेक्निकल गुरुजी, टेक बर्नर, ट्रैक इन टेक, टेक्नोलॉजी ज्ञान, मनोज दे, टेक्निकल योगी, टेक चैंपियन सपोर्ट, किस किस का नाम लूं भाई, बहुत सारे टेक्निकल हैं। तो सबका कंटेंट अलग अलग है, कोई YouTube टिप्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ अलग ही कंटेंट बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबका अर्निंग सेम होता होगा, नहीं, अर्निंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब आपको सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल देकर बताता हूँ, जुन्नू की टेक का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप मेरी वीडियोस देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड टाइटल किसी का हिंदी में डाल दिया, किसी का कुछ डाल दिया, मतलब जो यूट्यूब पर कभी सर्च नहीं किया गया वो भी मैंने टाइटल डाला हुआ है अपनी वीडियो में, तो उन वीडियोस पे अर्निंग कम होता है। अगर हमारी वीडियो का टाइटल इंग्लिश में रहता है तो अर्निंग ज्यादा होता है। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे वीडियोस आ रहे हैं टेक चैनल के। तो सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो का अर्निंग प्रूफ दिखाता हूँ जिसमें मैं YouTube टिप्स दे रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि YouTube चैनल ग्रो कैसे करें, एंड मैं आपको डिफरेंस भी दिखाने वाला हूँ, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, बिगेस्ट गुड न्यूज फॉर ऑल यूट्यूबर्स। तो मैं इस वीडियो के एनालिटिक्स में जाता हूँ, तो इस वीडियो पर ध्यान से देखो 50.7K व्यूज हैं और यहाँ पे जो अर्निंग हुआ $20.61। मैं इसको INR में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 50,700 व्यूज पर 1,600 रुपये। ओके, ये आपने देख लिया। अब मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, यहाँ पे YouTube टिप्स वाला वीडियो मैं एक और ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो ये मिस्टेक्स कभी मत करना, ये मैंने आलिम भाई का इंटरव्यू लिया था। तो मैं इनके वीडियो पे जाता हूँ, एनालिटिक्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे 32,400 व्यूज़ एंड इस पे जो अर्निंग हुआ वो हुआ 986 रुपये। ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ से वापस जाते हैं, इसका टाइटल कुछ भी नहीं है, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो ये मिस्टेक्स कभी मत करना। अब इस तरह के टाइटल डालते हैं तभी आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत सारे लोग तभी क्लिक करते हैं, बट अगर सर्च से ट्रैफिक आता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सर्चेबल वीडियो है, बहुत सारे लोग ये चीज़ सर्च करते हैं, 0 व्यूज आते हैं तो क्या करें। तो यहाँ पे मैं व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 566,000 व्यूज एंड यहाँ पे रिवेन्यू देखो 25,000 रुपये, मतलब उससे तो ज़्यादा ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मोबाइल को पहले रखता हूँ मैं साइड में, तो भाई मोबाइल को मैंने रख दिया साइड में। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर आपकी वीडियो पर ट्रैफिक सर्च से आ रहा है, सर्च से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है,
तो आपकी वीडियो का रैंक बूस्ट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका चैनल पुराना है तो आपका रैंक ज्यादा होता है, अगर आपका चैनल नया है अभी अभी ग्रो हुआ है तो आपका रैंक कम होता है। अगर मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं और मेरा चैनल पुराना है तो मेरा अर्निंग ज्यादा होगा, अगर आपका चैनल नया है आप भी सेम टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो आपका अर्निंग कम होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube से ज्यादा अर्निंग कब होता है? YouTube से ज्यादा अर्निंग तब होता है जब आपकी वीडियो पर महंगे महंगे एड्स आते हैं। महंगे महंगे एड्स आपकी वीडियो पर कब आते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। आपका कोई भी वीडियो है हिंदी में टाइटल है तो कोई खास कंपनी आपकी वीडियो पे एड रन कराने नहीं आएगी, मतलब जिससे पैसा कमाया जा सके। रुको मैं आपको डिटेल में ही समझा देता हूँ जब इतने अंदर में घुस ही गया। मान लो भाई आपने कोई वीडियो बनाया कि यूट्यूबर कैसे बने, चलो इसको भी छोड़ो, आपने कोई भी वीडियो बना दिया यूट्यूब के 5 नए अपडेट, ओके ऐसा मान लेते हैं, उस पर कोई भी कंपनी अच्छा एड रन नहीं कराना चाहेगी क्योंकि भाई लोग आएंगे अपडेट देख के चले जाएंगे। बट अगर आपने कोई वीडियो बनाया लाइक मैं बहुत सारे अर्निंग ऐप्स को प्रमोट करता हूँ तो उस पर बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपना एड्स रन कराती हैं। वो क्यों कराती है मैं आपको बताता हूँ। हमारी वीडियो है अर्निंग से रिलेटेड, मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ उसके बाद ही समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इस वीडियो को देखो, मैंने एक अर्निंग एप्लीकेशन को प्रमोट किया था तो मैं इस वीडियो के एनालिटिक्स में जाता हूँ तो इस वीडियो पे 151,000 व्यूज हैं एंड यहाँ पे रिवेन्यू देखो 71,000 रुपये है, जो कि मेरे को 5-6 लाख व्यूज पे भी नहीं मिलते। 71,000 रुपये 20-25,000 रुपये मिलते हैं जो YouTube से रिलेटेड होता है, बट इस वीडियो पे 71,000 रुपये 151,000 व्यूज पर, ऐसा क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना ये बात, बहुत अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं क्या सिखा रहा हूँ कि पैसा कैसे कमाएं, बिनोमो चलाना सीखें, हर रोज कमाओ 400-500। तो मान लो आप व्यूअर हो, आप इस वीडियो के थंबनेल पे देखकर क्लिक करोगे तो क्लिक करोगे आपको पैसा कमाना है, समझ रहे हो ना, आपको पैसा कमाना है। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस वीडियो पे ऐड चलाएंगे प्रॉपर इसी कीवर्ड को टारगेट करके कि इस वीडियो पे ऐड चला देते हैं पैसे कमाने से रिलेटेड। कोई अपना कोर्स प्रमोट करेगा, कोई अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करेगा तो वो हुए महंगे महंगे एड्स, मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड, पैसा कमाने वाली वीडियो पे ही ऐड चला रहे हैं। ध्यान से समझना मेरी ये बात को, तो वो महंगे एड्स हुए तो आपको आरपीएम ज्यादा मिलता है। अब ये आरपीएम क्या बीमारी होती है मैं इस वीडियो के एनालिटिक्स में जाता हूं। आपको रेवेन्यू पर क्लिक करना है तो यहां पे देखो आरपीएम जो मिल रहा है 473, मतलब 473 रुपये 1,000 व्यूज पे मिलेंगे। 473 के कितने डॉलर हुए मैं आपको दिखाता हूँ, 473। तो यहाँ पे मेरे को अराउंड $6 का आरपीएम मिल रहा है, मतलब लोगों को $0.50 आरपीएम तक नहीं मिलता है एंड यहाँ पे $6 का आरपीएम मिल रहा है, अराउंड $6, देख रहे हो ना, 5.92, मतलब 473 रुपये 1,000 व्यूज पर। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्लियरली आपको ये समझ आ गया होगा कि अर्निंग से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं लोग, पैसा कमाने से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उन पे आरपीएम ज्यादा मिलता है और अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो अर्निंग कुछ इस तरह का होता है। अब आपके माइंड में कुछ ऐसे चैनल्स आ रहे होंगे जो अर्निंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं, अर्निंग एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं तो उनको 400 500 300 व्यूज पर भी $1 मिल जाता है। लिटरली मेरे दोस्त खुद कमाते हैं, एक मेरा दोस्त है वो कमाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि YouTube टिप्स देने पर ज्यादा पैसा मिलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइव मैंने आपको दिखा दिया, पूरा लाइव स्टूडियो मैंने आपको चेक करा दिया, अब इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो इसी नाम पर वीडियो को कर देना और अभी तो रुको यार, अभी तो मिलियंस वाली वीडियोस के भी मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि अब आपको किस कैटेगरी का चैनल बनाना चाहिए। हाँ तो ध्यान से सुनो, अब आपने यहाँ पे यूट्यूब टिप्स वाली वीडियो का अर्निंग देख लिया, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो का अर्निंग देख लिया, तो आपको अब अर्निंग से रिलेटेड चैनल नहीं क्रिएट करना है बिकॉज आप पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? बिकॉज आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपको अर्निंग वाले चैनल में इंटरेस्ट है, आप उसमें कॉन्टेंट फाइंड कर सकते हो, रोज वीडियो अपलोड कर सकते हो, जेन्युइन कॉन्टेंट दे सकते हो, अच्छे तरीके से वीडियो बना सकते हो, तो आप अर्निंग चैनल बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ भाई, मत बनाओ। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप उसी चैनल से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। चलो अब मैं आपको स्टूडियो में ही लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको उस वीडियो पर लेकर चलता हूँ जिसपे 1 मिलियन व्यूज हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, मतलब 6 जीरो आती है 1 मिलियन में। तो जिन वीडियोस पर 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं वो वीडियोस यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, 17 लाख व्यूज मेरे को मिले। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 1.7 मिलियन व्यूज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके एनालिटिक्स पे जाना है। खैर ये तो मैं जा रहा हूँ, आप कैसे ही जा सकते हो। तो मैं इसके रिवेन्यू पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 2,37,000 रुपये,
17 लाख व्यूज पर। अब यहाँ पे भी RPM बहुत बढ़िया मिल रहा है। ये अर्निंग एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पैसा कैसे कमाएं। तो यहाँ पे 134 RPM मिल रहा है, 134 रुपये 1000 व्यूज पर। तो ये फिक्स नहीं है कि आपको 1000 व्यूज पे सब वीडियो पे सेम पैसा मिलेगा। अपने माइंड से ये बात बिल्कुल निकाल देना कि हर वीडियो पे सेम पैसा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ कितना डिफरेंस है, और ये सबके चैनल पर होता है। ट्रस्ट मी, मैं आपको जो दिखाऊंगा ना अभी, आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है कि और जुन्नू भाई इतना फर्क। तो आपको मैंने इसका अर्निंग दिखा दिया, अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो पर लेकर चलता हूं जिससे आप बोलने वाले हो कि यार ये क्या, आपने देखा 17 लाख व्यूज एंड अब आप इस वीडियो पर देख रहे हो 19 लाख 1.9 मिलियन। एंड मैं इसके एनालिटिक्स पर क्लिक करता हूं, अब मैं क्लिक करता हूं रिवेन्यू पर, तो यहां पे देखो 19,000 रुपये, कहां 2 लाख कुछ हजार और कहां 19 लाख व्यूज पे 19,000 रुपये। RPM कितना मिला? 10 रुपये। तो भाई कुल मिलाकर बात है कि कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए ना। अब इसमें क्या ही कीवर्ड है, सलमान खान रिएक्ट ऑन यलगार, कौन एड चलाना पसंद करेगा, समझ रहे हो ना। तो यही है भाई कीवर्ड आपका, अगर वो है ना थोड़ा अर्निंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तब आपका अर्निंग ज्यादा होता है, देख लेना आपने। तो आपको भी एक झटका सा मिला होगा देखकर कि 19 लाख व्यूज पर 19,000 रुपये और 17 लाख व्यूज पर 2 लाख से ज्यादा रुपये। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ YouTube से रिलेटेड, जिस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हैं, मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। इस वीडियो का टाइटल है YouTube, ऐसे लिखे हैं टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो के एनालिटिक्स में आने के बाद देख लो 1 मिलियन व्यूज है, तो इसके रिवेन्यू को देखो 40,000 रुपये, यहाँ पे RPM मिला 37 रुपये। ये मैंने आपको दिखा दिया, खैर मैंने अर्निंग की बात कर ली आपसे, अर्निंग प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। तो आप सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि अगर कोई टेक चैनल है और हम भी टेक चैनल बनाते हैं, हमारा भी उतना ही अर्निंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा ये चीज देखकर। एंड सभी वीडियो पे सेम अर्निंग नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, हर वीडियो पे सेम RPM नहीं मिलता है, कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपको YouTube टिप्स देना है, हाँ आप लोग स्पॉन्सरशिप से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, YouTube से कम मिलेगा, बट अगर आप YouTube पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, लोगों को बताते हो कि पैसा कैसे कमाएं, किस तरीके से बिजनेस करें, समझ रहे हो ना। आपने देखा ही होगा YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका बताते हैं, वीडियो की लेंथ रहती है 20 मिनट 25 मिनट। अगर आपने उनका अर्निंग देख लेना तो आप यही बोलोगे कि बस अब तो यही चैनल क्रिएट करना है। उनको 200 300 400 व्यूज पर $1 मिलता ही है, हर हाल में मिलता है, बट उस लेवल का आपको कंटेंट क्रिएट करना भी आना चाहिए। अगर आपको 1000 व्यूज पर $1 मिले तो आपको 10000 व्यूज पर $10 मिलेंगे, 1 लाख व्यूज पर आपको $100 मिलेंगे, और 100 के कितने हुए अभी के टाइम में 7 से 8 हजार रुपये, तो आपको 1 लाख व्यूज पर 7500 रुपये मिले, इतना मान लेते हैं। तो आपको 1 लाख व्यूज पर तो 7500 मिल गए, तो आपको 10 लाख व्यूज पर कितना मिलेगा, चलो मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको 75,000 रुपये, तो आपको 1 मिलियन व्यूज पर 75,000 रुपये मिलेंगे। अब ये आप ये मत सोचना कि हर वीडियो पर मिलेंगे, नहीं, आपको 1 मिलियन व्यूज पर 4 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले कंटेंट किस तरह का आपका होना चाहिए, और मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो अगर आप टेक चैनल क्रिएट करते हो। वो लोग चैनल में इतना पैसा नहीं मिलता है, मैं भी टेक की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब टिप्स की बात कर रहा हूँ, और भी कोई कॉन्टेंट क्रिएट करते हो उसमें इतना मिल जाता है, ठीक है। तो आपको 1 मिलियन व्यूज पर 75,000 रुपये मिले, तो 10 मिलियन व्यूज पर कितने मिले, 7,50,000। तो अगर आप अपनी किसी वीडियो 10 मिलियन व्यूज लेकर आ जाते हो तो आपको 7,50,000 रुपये मिलेंगे, 7,50,000 रुपये कोई छोटी बात नहीं है। चलो मान लो भाई आपको RPM और कम मिल जाता है, 7,50,000 की जगह आपको 5 या 6 लाख मिल जाते हैं, तो 10 मिलियन व्यूज पर 5 या 6 लाख रुपये कोई बुरे तो है नहीं। बट अगर आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपका टाइटल बहुत तगड़ा है, महंगे महंगे एड्स आ रहे हैं, आपने किसी स्मार्टफोन वगैरह की अनबॉक्सिंग की हुई है एंड बहुत सारे ब्रांड्स उस पर ऐड चला रहे हैं महंगे महंगे, तो भाई आप एक ही वीडियो से लखपति बनने वाले हो, सीरियसली बताऊं 10-15 लाख मिल जाएंगे 10 मिलियन व्यूज पर। बट 10 मिलियन व्यूज इस तरह की वीडियोस में जाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो, व्लॉग वगैरह बनाते हो, किसी चीज की हिस्ट्री बताते हो, उस पे जाते हैं इस तरह इतने व्यूज 15 मिलियन 10 मिलियन, बट वहां पे RPM कम रहता है। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो 1000 व्यूज पर $1
अभी के टाइम में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल एवरेज अगर मान के चलें, आप किसी भी कैटेगरी का चैनल बना लो भाई, आपको 2500 व्यूज पर $1 तो मिल ही जाता है। 2500 व्यूज पर $1, मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा भी आपको कुछ बताने की जरूरत है। अब आप लोग खुद समझदार हो, खुद से चैनल क्रिएट करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। स्पॉन्सरशिप से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, जितना आप यूट्यूब से भी नहीं कमाते। मैं आपको एंड में एक ही सजेशन देना चाहूंगा, आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, आप ये कोशिश करो कि हमारा वीडियो सर्च करे, अच्छे अच्छे टैग्स लगाओ, टाइटल लगाओ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि वीडियो का प्रॉपर SEO कैसे करते हैं, जिससे कि आपका वीडियो सर्च में रैंक करे। और आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहोगे तो आप आसानी से सीख भी जाओगे ये सब चीजें। तो आपको क्या करना है, साइड में इस वाली वीडियो पर क्लिक करना है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखकर आप अपनी वीडियो को रैंक करा लोगे इजीली, यूट्यूब पे सर्च में आपका वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक तो बनता है यार आज। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।